हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लूमिंग बड। डिम्पल की एक पोयम वॉरिक यूनिवर्सिटी के मैगजीन में अपलोड हुई है, तो उसके कवर पेज में ये फ़ोटो थी तो मैंने यहाँ पे भी डाल दी। मेरी पूजा हो चुकी है और आज है 3 मार्च, तो 3:30 के लिए निकलना है, मुझको हो रहा है लेट, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे रेडी हो रही हूँ क्योंकि 7:30 बजे तक मुझको एक्रोपोलिस पहुँचना है। और अब हो चुका है 7:05 हो चुका है, लेकिन मुझको जल्दी जल्दी करना है। यहाँ पे मैंने जो कनौती वेयर की है ना, ये ट्रांसपेरेंट है, एकदम भी पता नहीं चलती है कि मैंने कनौती पहन रखी है। ये BNB का बैच जिसको लगाना मस्त है। जैसे हम लोग का 3:30 है, वैसे ही CA वालों की भी एक मैराथन थी। सिलीगुड़ी में प्राय अक्सर मैराथन, साइक्लोथन और स्कूटी थॉन ये सब होता रहता है, बट 3:30 फर्स्ट बार हुआ है, जिसको लेके मोस्टली सारी वुमेन बहुत एक्साइटेड थी। सुबह 7:30 बजे तक साड़ी पहन के रेडी होके आना बहुत बड़ी बात होती है, और उसमें भी कुछ लोगों ने तो कल्चर मतलब क्या बोलेंगे ना, स्टेट वाइज भी उसको एक्सप्लेन किया था। जैसे कोई किसी ने महाराष्ट्रियन साड़ी पहनी थी, किसी ने बंगाली स्टाइल में पहनी थी, किसी ने गुजराती पहनी थी, ऐसे अलग अलग स्टेट वाइज भी सब लोगों ने पहना था। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस बिजनेस एंड बडीज़ ने जो ये कॉन्सेप्ट लेकर आया है बहुत अच्छा है, सिलीगुड़ी के लिए बहुत अच्छी बात है ये। और ये BNB की तरफ से ये लिया गया है कि हर साल हम लोग 3:30 करेंगे। अब हम लोग जब एक्रोपोलिस से निकल के अब हम लोग पहुँचे हैं PVR टावर में। यहाँ पे हम लोगों का सारा प्रोग्राम का बहुत अच्छा सेटअप था, स्टेज उस्टेज सब चीज़ पहले दिन से ही सब मैनेज किया हुआ था, और यहाँ पे सारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स एंड जितने भी पार्टिसिपेंट थे 3:30 के, सब लोगों को बैठने की पूरी बहुत अच्छी व्यवस्था थी एंड ब्रेकफास्ट भी था। तो बस ये कार्यक्रम ऐसे आगे बढ़ रहा था। नेक्स्ट मिसेस CA भावना एबल स्टूडेंट को गिफ्ट, या शी इज ऑल्सो ए स्किल सब। PVR टावर में जो हम लोगों का काम था वो हो चुका था, 11:30 तक सब कंप्लीट हो चुका था। फिर मुझको वहाँ से जाना था, एक वन यात्रा थी, वन में जाना था, जो हल्दीबाड़ी होके आप लोग आए जिस गांव से, जहाँ पर हम लोग संगठन का मंदिर भी बना हुआ है, तो हल्दीबाड़ी से भी जो आचरे है शोभा भक्त आई क्या
अंचल के फाउंडेशन है, बीच में उनका माँ का तबियत ठीक नहीं था इसीलिए कार्य से बाहर थी, अभी इसी साथ जुड़ी। श्री हरि सत्संग महिला समिति से भी मैं जुड़ी हुई हूँ जो वन वनवासियों के लिए कार्य करती है। आज साल में एक बार हम लोग भी वन की तरफ जाते हैं जहाँ उन लोग अपनी तरफ से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और हम लोगों का मोस्ट वेलकम करते हैं, और जो जो लोग साल भर में सीखते हैं वो सब हम लोग की तरफ मतलब एक कल्चरल प्रोग्राम के जैसे उसको प्रेजेंट करते हैं। तो मैं वहाँ पे भी गई थी और वहाँ से मैं पूरी मतलब उन लोगों के साथ मैं नहीं गई थी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की ही बस थी, वहाँ बस से ही जाना था तो मैं बाई कार बाद में गई। और थोड़ा प्रोग्राम अटेंड करके फिर मैं वहाँ से निकल के आ गई थी क्योंकि डिंपल भी उसी दिन ही आई थी और मैं सुबह से डिंपल से मिली नहीं थी, उसके बार बार कॉल आ रहे थे। तो मैं यहाँ का थोड़ा सा रह के थोड़ी देर यहाँ पे सबसे मिल के फिर मैं वापस निकल गई थी। तो ऐसे थे हम मेरे आज दिन भर का जो भी प्रोग्राम था। और ये जो संस्था है ये मेन वनवासियों के लिए काम करती है। मैंने आगे भी एक साल पहले जो पुराने वीडियो होगी उसमें भी मैंने अपलोड किया हुआ, एक साल हो चुका इस बात को, क्योंकि हम लोग साल में एक बार वन की तरफ आते हैं और साल भर बिना गए हुए मतलब यहाँ के कार्यकर्ता हम लोगों के पास आते हैं, फिर वहाँ जैसे हम लोग को सहयोग करना होता है वैसे वैसे हम लोग करते जाते हैं और एक दिन सारे जितने भी मेम्बर्स होते हैं उन लोग जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही चलता है। अच्छा है किसी स्टेप से संस्था से जुड़ के अगर हम लोग कुछ वनवासियों के लिए भी कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा योगदान है ये, मुझको ऐसा लगता है। और सब कुछ ना कुछ योगदान भारत की उन्नति के लिए करते ही हैं, तो मैं अपना जो थोड़ा बहुत कुछ भी जो मैं कर सकती हूँ मैं इन लोग से जुड़ के थोड़ी बहुत सहायता करती हूँ। बस इतना ही, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।